नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने 2 महीने पहले एक्जोरा प्लांट का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि एक्जोरा की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं, मैंने इसमें क्या क्या मिनरल्स दिए, इसके बाद का रिजल्ट दिखाने के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाया है। आप लास्ट तक बने रहें। मैंने पिछली बार एक्जोरा के पौधे में इस प्लांट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए प्याज के सूखे छिलकों को 2 दिन तक भिगा कर रखा, उसका लिक्विड बनाया और छान कर जड़ और पत्तियों में स्प्रे किया था। आप पुराना वीडियो देखिए। मैंने सोचा कि कैल्शियम की ज़्यादा ही कमी न हो गई हो, तो पौधे को मैंने 500 mg का कैल्शियम का टेबलेट 1 लीटर पानी में घोल कर पत्तियों में स्प्रे किया था। ये पौधा कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा मांगता है। फिर मैंने सोचा कि मिट्टी का pH बैलेंस है या नहीं, तो मैंने 1 चम्मच बुझा हुआ चूना 1 लीटर पानी में घोलकर गमले में मिलाया था। इससे pH बैलेंस के साथ साथ मिट्टी की एसिडिटी भी कम हो गई। आप पुराना वीडियो देखिएगा। देखिए साथियों, 2 महीने बाद का रिजल्ट, पत्तियाँ हरी और चमकदार निकली हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। जब शुरू में पत्तियाँ निकलती है एक्जोरा की, तो थोड़ा इस प्रकार से हल्का सा पीलापन इनमें होता है कोमल पत्तियों में, और बाद में थोड़ा पुराने होने के बाद ये बिल्कुल हरी हो जाती हैं। देखिए आप, ये नई पत्ती है, ये पुरानी पत्तियाँ हैं, थोड़ा पुरानी है ये नई, देखिए, और ये पुरानी है। फूल भी दोबारा खिले हैं, देखिए कितने सुंदर फूल हैं, ये दोबारा खिले हैं। पहले वाले फूल सारे झड़ गए थे, ये दोबारा खिले हैं। देखिए आप, इधर इधर इधर, एक इधर भी खिला हुआ है पीछे। साथियों, आप मेरा पुराना एक्जोरा प्लांट का वीडियो ज़रूर देखें। वही पौधा है, देखिए आप, और वही गमला है, कोई बदली नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि आप भी अपने एक्जोरा प्लांट में एक बार ये सारी चीज़ें मिलाकर ट्राई करें, क्या रिजल्ट आता है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने सुझाव। वीडियो कैसा लगा? देखने के लिए आपकी दोस्त और होस्ट का नमस्कार। बाय बाय।